हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ सरल करेंगे। हम इसका पार्ट सी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें दो अथवा में होंगे। हम यहां पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx बराबर होता है लॉग एक्स प्लस सी। स्क्वायर को टी मान लिया तो ये हो गया 2x dx बराबर dt। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2x dx dt में चला गया तो ये हो गया dt बटा t प्लस 1 t प्लस 3। अब इन दोनों को अलग अलग करके सरल करेंगे, यानी समाकलन की आंशिक भिन्न विधि से। इसको लिख दिया 1 बटा t प्लस 1 t प्लस 3 बराबर a बटा t प्लस 1 प्लस b बटा t प्लस 3। अब इसकी राइट हैंड साइड में देखो, लेसे पे लिया हमने t प्लस 1 t प्लस 3, तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा ए टी प्लस 3 प्लस बी टी प्लस। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1, तो ये ले लिया मैंने 1, और इधर हमारा चल रहा है ए टी प्लस 3 बी टी प्लस 1। अब देखो यहाँ से टी का गुणांक ए प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में टी का गुणांक 0 है तो ए प्लस बी बराबर 0। इसी प्रकार 3a प्लस बी बराबर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो 3a प्लस बी बराबर 1। अब हम इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे तो a का मान आ जाएगा 1/2 और b का मान आ जाएगा -1/2। इन दोनों मानों को यहां पर रख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा टी प्लस 1 टी प्लस 3, ए का मान 1/2, इंटीग्रेशन dt बटा टी प्लस 1, और ए का मान -1/2 है तो -1/2 इंटीग्रेशन dt बटा टी प्लस 3। अब देखो 1/2 तो अच्छे रहे, ये ऐसे रहेगा और इसका अंदर वाला क्या हो जाएगा log t प्लस 1। इसी प्रकार -1/2 अच्छे रहे से रहेगा और अंदर वाले का हो जाएगा log t प्लस 3। 1/2 तो बाहर आ गया तो log m माइनस log n, ये क्या हो गया log m बटा n और प्लस का c। अब t का मान वापस रख देंगे तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।